drift velocity, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को शॉर्ट फॉर्म में वीडी लिखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लास्टली जो हमारे पास समय बचा है, अगर इस क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो अगर इसके हम प्रैक्टिस कर लेंगे सही से, तो शायद हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसमें, या फिर कहिए पूरे के पूरे 3 to 3 मार्क्स के वैसे मे भी कि आ ही सकते हैं, 1 मार्क्स के भी होंगे, लेकिन वो हो सकते हैं कि 1 मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में हो। वैसे ये टोटल हमारे 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के भी कभी कभी आ जाते हैं यदि एक्सप्लेन करना होता है तो। ठीक है, आवाज़ पूरी क्लियर होगी इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ देखना है पेपर पेंसिल जो हमारा है वो आपको अभी नहीं लेना, ठीक है, वो बाद में आपको उसको उतारना है। तो आइए देखते हैं फाइनली। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सबसे पहले आपको बता दें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेफिनेशन होता है, तो उसका जो डेफिनेशन है सीधी सी बात देखिए, पहले आपको समझाते हैं फिर अपने आप आपको डेफिनेशन भी बन जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ये हमारा एक कंडक्टर है, सभी जानते हैं कि कंडक्टर जो होता है कोई ऐसी कंडक्ट मतलब कोई ऐसा वायर ले लीजिए जो ऐसा मतलब मटेरियल हो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंडक्ट कर दे, जैसे कि एक वायर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ये हमारा एक वायर हो गया और इससे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है आई करंट से। ठीक है, आई करंट से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि इलेक्ट्रिसिटी चाहेगी तो ये क्या करेगा, आगे मूव करने लगेगा। और पता है ये मूव करता है ना, तो मूव करता है और आगे भी बढ़ता है, यानी कि आप ऐसे समझिए कि आप ट्रेन में हैं और ट्रेन आप प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगा, तो जब आप प्लेटफॉर्म थे तब जो ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप क्या थे, अपने सीट पे बैठे हुए थे, अपने बर्थ पे बैठे हुए थे, जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, मान लीजिए आपको कोई काम आ गया, तो आपने क्या किया कि ट्रेन तो आगे बढ़ रही है और आप भी क्या हुआ, उठ गए ऊपर। जब अपने बर्थ से आप ऊपर उठ जाएंगे तो एक हुआ ना कि ट्रेन भी आगे चल रही है और आपने आप बर्थ से कोई काम के लिए आगे बढ़े, तो वही सिचुएशन यहाँ है। जैसे ही करंट मिलता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक काम करते हैं, डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा ड्रॉ करने में आसानी हो, करंट का डायरेक्शन इधर दे देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन इधर दे दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इसके अपोजिट फोर्स लगता है। यदि इसके अपोजिट फोर्स लगेगा तो ये आगे बढ़ेगा, और क्या होता है जब ये आगे बढ़ता है ना, तो वापस जब अपने आप बर्थ पे से उठे तो आपने कोई काम पूरा कर लिया तो फिर वापस अपने आप बर्थ पे बैठेंगे, है ना, बैठेंगे ना, कोई काम पूरा किया आपने फिर वापस अपने आप बर्थ पे बैठ गए, फिर मान लीजिए कोई काम हुआ बैठ गए, लेकिन आपका बर्थ तो इतना है ना कि आपका बर्थ का कोई सीट नहीं ले सकता है ना, तो वही पोजिशन यहाँ पे है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया, घूम फिर लिया अपना बर्थ में, फिर वापस उसी पोजिशन पे आ गया। यदि आपसे हम पूछ दे बताइए आपने अपने बर्थ यानी कि सॉरी अपने आप ट्रेन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो क्या बताएंगे आप, यदि डिस्टेंस पूछे तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, यदि डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछेंगे तो सीधी सी बात है कि अपने आप बर्थ में से फिर वापस अपने आप फिर वही अपने बर्थ पे आप बैठ गए, तो सॉरी हमसे यदि पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट नेट बताइए, तो हम जानते हैं कि और वापस यहीं आ गया, यानी कि ये हमारा होम था और ये मार्केट था प्लेस, हम होम से निकले और मार्केट गए, मार्केट से वापस दूसरे रास्ते से घर आ गए, तो हमसे पूछा जाएगा कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम सीधे से जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो जो हमारा एक्चुअल पाथ कवर्ड किया वही हमारा क्या होता है, सॉरी वो तो हमारा डिस्टेंस होता है। तो जो पाथ मैंने कवर किया एक डिस्टेंस, ठीक है, फाइनली और अपने उसी पोजिशन पे आ गए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि कोई यदि उसी पार्ट उसी पोजिशन पे आ गए तो वह हमारा जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करना स्टार्ट किया तो वापस वो उसी पोजिशन पे आ गया। जब उसी पोजिशन पे आ जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन में भी होगा, उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन में होगा, यानी कि सबका कुछ ना कुछ क्या होगा, ट्रेवलिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का आगे मूव करेगा और वापस अपने पोजिशन पे आ जाएगा। तो सबका अपना अपना वी होगा, इसी को वीडी कह दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, वही वीडी हमारा क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो इतना तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पोजिशन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, फिर एक बार अंतिम में दो तीन बार रिवीजन कर लेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आइए फाइनली ये हमारा हो गया फिर से एक वायर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक और इस वायर में क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, और मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं और वापस अपनी जगह पे ही आ रहे हैं, इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और हम सभी जानते हैं कि यदि हम जिस पोजीशन चले और वापस उसी पोजीशन पे आ जाए तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट हमारा यानी कि इलेक्ट्रॉन का हमें डिस्प्लेसमेंट पूछे, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमारा जीरो होगा सारे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा, और यदि वेलोसिटी है चूंकि वी डी से लिखते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वेलोसिटी यानी कि वी डी जीरो होगा। और एक बात बताइए, समझने वाली बात यहाँ ये है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, तो बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो सबके कुछ अलग अलग वेलोसिटी होती है, क्योंकि इसमें लैटिस एटम होता है जिससे कि एक टकराव होता है, आगे भी तुरंत पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है ना वो अलग अलग हो जाता है, इसीलिए वहां पे एक एवरेज निकालते हैं, वी डी का एवरेज निकालते हैं, और एवरेज जो होता है ना यहाँ पे हमारा वो आता है जीरो। सीधी सी बात है, जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा तो इसका जो यू होगा हमारा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और वापस वो अपनी पोजिशन पे आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात यहाँ ये है कि जब इस पे फोर्स लगेगा, यानी कि ये जो एफ इस पे जब लगेगा, ठीक है, जब एफ लगेगा इस पे, तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि एफ इक्वल टू होता है हमारा क्या, एफ इक्वल टू होता है हमारा एम ए होता है ना, और यहाँ पे एफ इक्वल टू भी हमारा क्यू ई हो जाता है। जब क्यू ई हो जाएगा तो फिर एफ इक्वल टू जो एम ए है वही तो हमारा फोर्स भी होता है ना, एफ इक्वल टू क्यू ई। तो एफ इक्वल टू जो क्यू ई है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर पढ़ते हैं ना वहां पे ये फॉर्मूला जो हमारा है आता है क्यू ई,
ठीक है, वहां आप पढ़े होंगे। तो फिर एफ इक्वल टू एम ए एक फोर्स भी है हमारा। तो यहां से क्या होता है, क्यू के बदले हम इलेक्ट्रॉन है ना, हम जो है इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं ना, तो यहां पे ई लिख देंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब वो जो क्यू होता है वो चार्ज ही होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। यहां से हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ई ई बाय एम। और याद रखे इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए वहां माइनस लगाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना करना है, ठीक है। अब आते हैं फाइनली, यहां हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और किसी चीज से हमको मतलब नहीं है, इतना चीज जानना हमारा बेसिक था, ये बेसिक पे ही पूरा हमारा फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या होना है हमारा, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस एटी आता है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी। चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो सब जगह हम क्या करते हैं vd लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो इसका क्या होगा हमें, इसका क्या आएगा हमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए, इसका वी वन, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका वी टू, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसका वी थ्री, और एक और इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा वी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वी एन, एन का मतलब होता है कि बहुत सारे, ठीक है, एक एवरेज निकालने के लिए यूज करते हैं एन का। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का जो हमारा वेलोसिटी होगा उसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी डी वन इक्वल टू यू डी वन प्लस, और ए हमने कितना निकाला यहाँ पे माइनस ई, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है, या फिर पुट ही कर देते हैं, वैल्यू पुट ही कर देते हैं, पुट कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा, चीजें पहले से ही करके रखी रहेगी तो आगे परेशानी नहीं होगी। बा एम और टी डी तो हमारा है ही। अब ये निगेटिव साइन कैसे आया, इस बात का ध्यान रखना है, ये निगेटिव साइन आया हमारे इलेक्ट्रॉन के निगेटिव के होने की वजह से, ठीक है। अब उसी तरह हमारा वी डी टू होगा और ई सॉरी यू डी टू होगा और माइनस ई ई वन एम और टी डी, अगर टाइम इसका वन है तो आप यहाँ वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ टू लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारा फिर कह सकते हैं कि वी टू के बाद वी थ्री आएगा तो वी थ्री का भी लिख लेते हैं वैसे। अब तो समझने वाली बात यहाँ ये है कि आप बहुत सारे यहाँ पे हैं वैल्यूज आएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन के, तो सभी को लिखना संभव नहीं है, इसीलिए एक मान के चलते हैं कि ये वी एन तक जाएगा, वी डी एन और यू डी एन माइनस ई एम टी टू टी डी एन तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हमारा जो वी वी एन का यहाँ तक गया है तो ये भी जाएगा हमारा, और ये भी जाएगा इस तरह से, और ये भी जाएगा फाइनली, इसी तरह चलता रहेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको जोड़ देते हैं, आप इसे नोट कीजिए इतना तक, फिर फाइनली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी ये है कि अब सबको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, तो जो हमारा ये V1 वाला पार्ट है तो इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा रहे पहला आ रहा है, और V1 वाला पार्ट को जोड़ते हैं तो वी डी वन प्लस वी, फिर इस तरह जोड़ना है सबको, ठीक है, वी डी टू प्लस वी डी थ्री, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हमारा
वी एन तक आएगा ये, फिर इक्वल टू आएगा हमारा, फिर यू डी वन प्लस यू डी टू। देखिए अभी स्लो स्लो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है हमें स्लो ही करना है, अभी उसके बाद फास्ट करेंगे, समझाते वक्त पूरा फास्ट कर देंगे, अभी स्लो स्लो समझिए ठीक है। यू डी वन यू डी थ्री, इसी तरह से हमारा यू डी एन तक जाएगा ठीक है। फिर हमारा क्या है, माइनस है ना ई, चूँकि इसका वैल्यू तो हर जगह सेम है तो इसलिए इसका कोई ऐसा नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट लिख देना है ई। यहाँ से आगे स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा ठीक है, ठीक है यहाँ तक आ गया डॉट डॉट करके वी एन तक। फिर क्या आना हमारा, माइनस आना है, उसके बाद ए ई वाई एम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फाइनली हमारा क्या आना है, हमारा फिर उसके बाद टी वन टी डी वन प्लस टी डी टू प्लस टी डी थ्री ठीक है ना। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, अगर इस सब को हम एन से डिवाइड दे दें तो कोई दिक्कत है, दोनों साइड एन से डिवाइड देना है ठीक है, ताकि इक्वल रहे तो इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। तो एन से डिवाइड दे दिए हम यहाँ भी और इस जगह भी एन से डिवाइड दे दिए ठीक है। देखिए तो ये एक एवरेज नहीं आ जाएगा, एन का मतलब ये बहुत दूर तक चलता गया ना, तो बहुत दूर तक जो चलता गया अगर उसको सबसे जो हमारा लास्ट वाला पोजिशन होता है उसको यदि हम नीचे सबसे लास्ट वाला पोजिशन यानी कि एंथ टाइम तक जो जाएगा उससे डिवाइड कर दें तो ये हमारा एवरेज नहीं आ जाएगा। यदि एवरेज आ जाएगा, यदि ये एवरेज आ जाता है वी डी एवरेज ठीक है, यू डी एवरेज कोई दिक्कत नहीं, और इसी तरह यहाँ पे माइनस ए यू है तो एम ही रहेगा, कॉमन है क्योंकि ये, उसके बाद टी डी एवरेज कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ पे यू डी जो यहाँ पे आया था हमारा फर्स्ट वाले में आप देखे होंगे जब ने शुरुआत किया था तो उस जगह हमें जो था यू डी ए वी जी क्या आया था इलेक्ट्रॉन का, हमें वेलोसिटी क्या आया था, जीरो आया था ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था नेट डिस्प्लेसमेंट। तो उसी तरह क्या ये हमारा जीरो हो जाएगा, और यदि ये जीरो हो जाएगा तो फाइनली हमारा फिर इक्वेशन क्या आएगा, ए वी जी माइनस ए ई बाय एम। टी तो पहले से है ना, पता है टी एवरेज को क्या बोलते हैं, बाद में जो टी डी एवरेज है ये हमारा, इसको इस तरह से लिखते हैं, जेड तरह से नहीं होता है, टोटली जेड नहीं बोलते हैं, टू भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरह से इस तरह का साइन होता है जिसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये जेड हमारा बाद में रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है ठीक है, टाइम तो है लेकिन रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ये है कि इसमें क्या है ना, इस वक्त एक फॉरेन पार्टिकल भी मौजूद है, वो फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे है, इस जगह है, इस जगह है, या फिर कहिए इसमें हर जगह फॉरेन पार्टिकल है, लेकिन इतना हम बना नहीं सकते तो डायग्राम गंदा हो जाएगा, बहुत भद्दा लगेगा देखने में ठीक है। अब ये फॉरेन पार्टिकल क्या करता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में लैटिस एटम बोलते हैं, ठीक है लैटिस एटम बोले या फॉरेन पार्टिकल बोल दे ठीक है, लैटिस एटम या फॉरेन पार्टिकल कोई दिक्कत नहीं। अब ये लैटिस एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत कर देता है। मान लीजिए आपके रास्ते में कोई आदमी आ जाएगा तो आपको चलने में तो दिक्कत होगा ना, आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगा ना, वही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आप उससे टकरा जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये एटम क्या करता है, इस लैटिस एटम से टकरा जाता है, तो इस तरह ये आया आया और टकरा गया, जैसे ही टकराया ना यहाँ पे ट्रेमेंडस एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। जैसे ही यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा तो एनर्जी इन द सेंस ऑफ क्या, हीट है वो हमारा, हीट है ना, यदि हीट है वो हमारा
तो हीट क्या होता है, गर्म होता है ना, तो जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन लैटिस अटम से टकराते हैं ना, आए आए यहाँ पे टकरा गए, तो इसमें क्या हुआ, एक टाइम का रिलैक्सेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि एक पोजिशन से जब यहाँ से यहाँ आया तो इसका कुछ ना कुछ टाइम लगा ना, उसी तरह बहुत सारे एटम एक दूसरे से मतलब लैटिस एटम से टकराते हैं और इसका एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बन के आता है, ठीक है, जिसे टाइम नहीं बाद में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं, क्योंकि रिलैक्स हो जाता है अंत के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फिर वापस वहाँ से चलता है। डेट्स है कि आप जितने सारे जो हमारे वायर्स हमारे घर में लगे होते हैं या फिर कोई ऐसा वायर आपने कभी छुआ होगा, कभी टच किया होगा किसी भी वायर को, तो वो वायर क्या होता है, हमें गर्म लगता है। जैसे कि आप चार्जर जब आप फोन का चार्ज करते होंगे तो जब समथिंग जब आधा घंटा बीत जाता है या 15-20 मिनट आधा घंटा बीत जाता है तो आपको जब उसे टच करते होंगे तो आपको गर्म फील होता होगा ना, बस वही कारण है यहाँ पे, जो गर्म फील हो रहा है ना उसके अंदर जो हमारा कंडक्टर लगा हुआ है वो कंडक्टर डायरेक्टली उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लैटिस एटम से टकराते जा रहा है, और जैसे जैसे वो लैटिस एटम से टकराते जा रहा है तो हमारा की क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट का जनरेशन हो रहा है, जब हीट हमारा जनरेट कर रहा है यानी कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो वो हमें अपने जो हमारे रिसेप्टर्स हैं हमारे हाथ के, ठीक है, हमारे फिंगर्स के जो रिसेप्टर्स है उसके क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, और फाइनली हमें पता चलता है कि वो काफ़ी गर्म है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जितने सारे जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो लैटिस एटम से टकरा रहे हैं और जब हम उसे फील करते हैं तो हमें हीट महसूस होता है। तो यही कारण है कि हमारा कंडक्टर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, या फिर मरकरी जो होता है हमारे घर में लगे होते हैं, या फिर 100 वाट का बॉल, या फिर वो जो 9 वाट का बॉल आता है, ठीक है, जितने सारे बल्ब इक्विपमेंट्स जो भी हैं वो लैटिस एटम से टकराते हैं इसीलिए वो गर्म होते हैं। यदि लैटिस एटम नहीं होगा ना हमारे किसी भी कंडक्टर में तो समझिए कि गर्म होने के कोई चांस ही नहीं है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी कंपनी जब बनाती है ना तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एड मटेरियल ऐड करती है ताकि जो हमारा इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इलेक्ट्रिकल्स गैजेट हैं वो हमारे हार्ड हो सकें, जितने सारे उसमें जितने ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा टिकेगा, तो स्ट्रेंथ को बनाने के लिए उसमें मतलब अलग से हमें फॉरेन पार्टिकल मिलाना पड़ता है, ठीक है। और अगर प्योरली हमें चाहिए तो प्योरली हमें ऑर्डर अगर दें तो ऑर्डरली करके हम उसे बनवा सकते हैं। तो ऑर्डर तो वैसे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं उसमें ही हमें ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो बाकी जो भी बन के आती है कंपनी से वो हमारे जो है आप कह सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स में ऐड ही रहता है, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ को बनाना है, उसके मजबूती को बनाना है, ठीक है, इसीलिए तो इसलिए वो उस क्या होता है ज़्यादा हीट भी होता है, इसलिए देखे होंगे ज़्यादा बहुत हीट हो जाने के बावजूद भी जो हमारे मरकरी बल्ब है ना वो फ्यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ होता है, अगर हीट को वो काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर मजबूत करके रख सकता है, ठीक है, इसीलिए तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फाइनली जो है बन के आ जाता है हमारा और ये हमारा यहाँ से आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बाद में इसी को एवरेज को बोलते हैं, एवरेज को हटा करके, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं वीडी, और इस जेड को जेड की तरह के आकार को बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, और यहाँ पे फाइनली कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारा ई जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा तो काफी स्पष्ट रहेगा चीज, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और एम हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए हमारा एक्सेलरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से टोटली जो हमारा ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। यदि आप इतना एग्जाम में लिख देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे उतारिए फिर एक बार से हम फिर पूरा समझा देंगे कि हमने क्या क्या इसमें टोटल किया है, ठीक है।
यही है, स्पष्ट रूप से उसे लिख दिए, इसको एवरेज कह दीजिए, इस आर को स्मॉल बना दीजिए, ठीक है, ये आर स्मॉल हो जाएगा हमारा, चूंकि एवरेज है ना हमारा, तो एवरेज नहीं भूलना है हमें, चलिए आप इसे उतारते रहेगा, फाइनल करते हैं इसे टोटल। हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के अंदर क्या किया हमने, रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो जब हमने रिसर्च किया तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल होते हैं, जैसे हम लैटिस एटम बोलते हैं, और वो लैटिस एटम रहना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ हो देते हैं। तो लैटिस एटम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना लैटिस एटम से टकरा जाता है, टकराता है तो हीट जनरेट होता है। और हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपने ही बर्थ में मूव करता है और वापस अपने ही पोजीशन पे आ जाता है और आगे भी बढ़ता है, यानी कि आगे भी बढ़ता है और अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और फिर हमने बताया कि इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया तो फोर्स इधर लगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो अपना आगे बढ़ने लगे, ठीक है। और फिर हमने बताया कि इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन का हमने वेलोसिटी देखा था कि इसका जो हमारा हमारा जो वेलोसिटी होगा एवरेज, वो हमने बताया था कि वो क्या होना है, हमारा जीरो हो जाना है। क्यों जीरो हो जाना है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ही हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसीलिए, ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये जीरो हो जाना है। और फाइनली हमने बताया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वी डी वन वी यू डी वन माइनस ई ई वाई एम टी डी वन हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वी डी टू इक्वल टू यू डी टू माइनस ई ई वाई एम टी डी टू हो गया, उसी तरह तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वी डी टू वी यू डी टी माइनस ई ई वाई एम टी डी टू, और इस तरह हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए वी डी एन यू डी एन माइनस ई ई वाई एम टी डी एन, ठीक है। फाइनली हमने क्या किया कि इस वाले पार्ट को जोड़ दिया और इस वाले पार्ट को जोड़ दिया, इस वाले पार्ट को जोड़ दिया, जोड़ना इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें निकालना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब हमने इस पार्ट को जोड़ा और इस पार्ट को, यानी कि तीनों जो मैंने पार्ट को जोड़ दिया, और हमने बताया कि ऐसे ऐसे जा करके एन तक की जाएगा, तो हमने एवरेज निकालना था, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या किया, एन से डिवाइड किया, और जैसे ही मैंने एन से डिवाइड किया तो हमारा वी एवरेज आ गया, वी डी एवरेज और यू डी एवरेज माइनस ए ई वाई एम और टी डी ए वी जी, और यहाँ पे यू हमारा जीरो हो जाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि एवरेज हमारा इलेक्ट्रॉन का जीरो होना, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजों को, ताकि आप सुन के भी चीजों को याद रख सकें, वजह लिखने के, लिखें, लिख करके प्रैक्टिस करें, और सुनने से क्या होता है कि ज्यादा चीजें याद होती है, लिखने से तो और ज्यादा उसमें स्क्वायर लगना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सुने, लिखें, प्रैक्टिस करें टोटल पांच बार, इसे पांच बार, दो तीन बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दो तीन बार देख के लिखें, लेकिन देखते 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 आप एक समय छोड़ दे देखना और उसे अपने से प्रैक्टिस करें, जहाँ कहीं गलती होगा कोशिश करें कि उसे फिर से सही करें और वापस वो सही होकर के एक अच्छे फॉर्मेट में आपका आ जाए, जैसे कि आपने उसे लिखा है, ठीक है। तो फिर हमने बताया कि इस तरह से टी ए वी जी आ जाएगा, और चूंकि यू डी जीरो यू डी ए वी जी जीरो हो गया, तो वी डी हमारा आ गया माइनस ए बाई एम, और टी ए वी जी यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको कि हम जेड से लिखते हैं, इस तरह से लिख दिया, डिनोट कर दिया हमने, फिर हमने वी डी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला, और ये होता है हमारा इस तरह से इसका डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट तो है, लेकिन चूंकि इसके अंदर वेक्टर लगाना इंपॉर्टेंट है, तब ये जाके पूरा कंप्लीट फॉर्मूला जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ड्रिफ्ट हो गया, और फाइनली इस तरह से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यदि एग्जाम में लिख देंगे तो हमारा पूरा का पूरा मार्क्स जो है 3 या 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए बोला, तो आपको डेफिनेशन लिखना, आप देखिए डेफिनेशन यहां से आ गया, डेफिनेशन फाइनली क्या आ गया, यहाँ से डेफिनेशन आप पहले निकालने की कोशिश कीजिए, क्या डेफिनेशन आ सकता है, निकालिए,
तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनाना है आपको, अलग अलग पेन का यूज़ करना है, फाइनली जहाँ पेन का यूज़ हो आपको वहाँ अलग पेन का भी यूज़ करना है। हमने कहीं कहीं यूज़ किया है, आप फाइनली हर जगह पेन का यूज़ करें, अलग अलग जहाँ पे आपको लगेगी नहीं कुछ यहाँ पे अलग हो, जैसे कि आप फॉर्मूला में अलग पेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, तो इट इज एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंप्लीट हो गया ना, देखिए इसी से हमें आना है डेफिनेशन, इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना है, एवरेज है ना, तो इट इज अ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म डेफिनेशन। इतना डेफिनेशन लिखना है, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके बाद आपको फाइनली इतना कुछ लिख देना है। और ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर पूछा जाएगा, अगर नहीं भी पूछा ना तो ध्यान रहे कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए ये लिखे, ये की पॉइंट्स आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट, इसके बाद आप करेंगे टॉपिक, तब तक के लिए आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें। फाइनली हम नए सेशन, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके दोनों के रिलेशन दे देंगे, ठीक है।